और वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। एज वी हैव स्टार्टेड द सेकेंड यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल फिनोल एंड ईथर एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने अल्कोहल्स पूरा कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिनोल। सो फिनोल्स क्या होते हैं? आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बंजीन रिंग, जहाँ पे बंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन एटम को या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को बंजीन रिंग में से जैसे ही आप एक हाइड्रोजन एटम को निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? फिनोल। सो फिनोल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बंजीन, जहाँ में से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इनका ज्यादा फॉर्मूला होता है AROH, जहाँ पे अराइल एक फिनाइल या सब्स्टिट्यूट फिनाइल ग्रुप है। अल्कोहल्स की तरह फिनोल्स भी क्लासिफिकेशन होगी इनकी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं एक फिनोल में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होंगे? जहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम ऑफ द बंजीन रिंग को रिप्लेस करवाया जाएगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। फॉर एग्जांपल फिनोल, 2-methylphenol, 3-chlorophenol, 4-hydroxy बेंजोइक एसिड। डायहाइड्रिक अल्कोहल वो होंगे जहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होंगे विद हाइड्रोजन एटम, यानी कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे टू द बंजीन रिंग, जो डायरेक्टली अटैच होंगे बंजीन रिंग में, जैसे कि 1,2-dihydroxybenzene, 1,3-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxybenzene, जिसे हम हाइड्रोक्सी किनोक्यून भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली टू द एरोमेटिक बंजीन रिंग, एज शोन 1,2,3-trihydroxybenzene, 1,2,4-trihydroxybenzene, 1,3,5-trihydroxybenzene। नेक्स्ट इज नॉमनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। अगर हम कॉमन नेम यूज करें, द फिनोल डेरिवेटिव्स आर यूज्ड नेमली एज डेरिवेटिव्स ऑफ बंजीन कंपाउंड न्यूमेरिकल्स इफ दे आर प्रेजेंट इन द बंजीन रिंग, मतलब कॉमन नेम रहेगा एसिड, जैसे आर्थो ब्रोमोफिनोल, पैरा न्यूट्रोफिनोल, मेटा कैरासोल, मेटा मिथॉक्सीफिनोल, पैरा अमीनोफिनोल। लेकिन IPX सिस्टम में हम सब्स्टिट्यूट फिनोल को नेम करते हैं एज डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल, जैसे 2-bromophenol, 4-nitrophenol, 3-methylphenol एंड एसच। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, जो कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 136 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है क्योंकि वो कंजुगेशन में जाता है विद द अनचेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन होती है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स। इसमें क्या करते हैं, हम एनिलीन को रिएक्ट करते हैं HNO2 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस 2 molecules ऑफ वाटर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हमें मिलेगा फिनोल, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, हमें मिलेगा फिनोल, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रॉम अल्कली फ्यूजन, सोडियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्ट्रॉन्ग हीट कराएंगे, हमें मिलेगा फिनोल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जब हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, और जब ONO के साथ हीट करेंगे तो फिनोल प्लस NaCl। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी स्ट्रेस डे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल एंड द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।